हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट के सिलेबस के बारे में। गाइस, अगर आप बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक थर्ड ईयर में या आपके सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर में फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में आपका एक ये इंपॉर्टेंट हमारा सिलेबस हो जाता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका क्या क्या पूरा कंटेंट आएगा, क्या क्या यूनिट्स हैं, उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो सभी इस वीडियो में हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स इसमें इस सब्जेक्ट को लेकर क्या क्या टॉपिक्स में डिफरेंस आता है, तो वो सभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो उसे शुरू करते हैं। सो गाइज, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने कोर्स कंटेंट लिखा हुआ है बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स सेम ही है उनके यूनिट्स के लिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, उसमें चाहे सोल से कर रहे हो, रेगुलर से कर रहे हो, आप NCWEB से कर रहे हो, तो उसमें ये जो टॉपिक्स है वो सभी सेम ही रहेंगे, कंटेंट जो है वो सेम ही रहेगा। और अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं तो कंटेंट आपको काफ़ी ज़्यादा इसके जैसा ही मिल जाएगा। तो देखते हैं हमारी यूनिट्स। ये सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, FOI भी इसको शॉर्ट में बोल दिया जाता है, तो इसमें टोटल 5 यूनिट्स हैं। पहला जो हमारा यूनिट है वो बेसिक यूनिट है जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। ये फर्स्ट हमारी यूनिट हो गई। नेक्स्ट यूनिट 2 जो है वो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, जिसमें कि आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की बात करेंगे, जिसमें कि आप अलग अलग चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस, इक्विटी एनालिसिस इसमें हम करेंगे। इसके बाद है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, यहाँ पर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात आ जाएगी। एंड लास्ट जो हमारी यूनिट होगी वो होगी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन की, इसमें आपकी सभी चीज़ें दी गई होगी, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड जो भी इसके रेगुलेशन है वो सारी चीज़ें आपको लास्ट यूनिट में मिलेंगी। चलिए हम देख लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से यूनिट्स में आपको टॉपिक्स जो है वो पढ़ने पड़ेंगे बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट यूनिट पे। तो पहली यूनिट का जो नेम है वो है द इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें इनके टॉपिक्स की तो इसके अंदर जो पहले बेसिक टॉपिक्स हैं वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो किस तरह से लिया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट का हम डिसीजन ले सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें कि कमोडिटीज़ है, रियल इस्टेट में एंड फाइनेंशियल एसेट्स में, किस किस टाइप्स के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कमोडिटीज में करेंगे, रियल इस्टेट, फाइनेंशियल एसेट्स, वो आप इसमें पढ़ेंगे। देन हम आगे बात करेंगे इंडियन सिक्योरिटी मार्केट की, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैपिटल मार्केट है या और जो भी मार्केट है, मनी मार्केट है, वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। द मार्केट पार्टिसिपेंट, यानी मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट होता है, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज कैसे ट्रेड की जाती हैं, शेयर डिवेंचर कैसे ट्रेड किए जाते हैं, सिक्योरिटी मार्केट इंडाइसेस है। एंड इसके पास है सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के क्या क्या सोर्स हैं। देन मेन जो आपका टॉपिक आ जाता है इसमें न्यूमेरिकल परस्पेक्टिव से, वो है रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करना उसका कंसेप्ट है, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड रिस्क। एंड ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। एंड इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक इसमें बचता है वो है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस एंड इन्फ्लेशन ऑन रिटर्न, यानी टैक्सेस का क्या, टैक्सेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन का, और उसके रिटर्न पर क्या क्या इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में। तो गाइज, ये जो बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में ये टॉपिक जो है वो सेम ही रहेंगे, बस यहाँ पर डिफरेंस इतना आ जाएगा कि क्वेश्चंस जो होंगे वो बीकॉम में थोड़े लोअर लेवल के होंगे या मॉडरेट लेवल के होंगे, और वहाँ में बात करें हम बीकॉम ऑनर्स में तो मॉडरेट टू हाई लेवल तक उसमें क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के हो सकते हैं। वैसे जो कंटेंट है वो यूनिट 1 में सेम ही रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 काफ़ी छोटी यूनिट है, बट यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल है। तो इसका जो नाम है वो है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में बेसिकली आपको बॉन्ड वैल्यूएशन पढ़ना है कि बॉन्ड क्या है, उसका फंडामेंटल्स क्या है, देख सकते हैं फंडामेंटल बॉन्ड, एस्टिमेटिंग बॉन्ड यील्ड, यील्ड क्या होती है बॉन्ड की, वो कैसे आपको निकालना है, बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड आ जाते हैं, रिस्क आ जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट रेटिंग। गाइस, ये जो हमारा सिलेबस है या ये जो हमारा कंटेंट है लास्ट वाला, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट रेटिंग का, ये हमारा सिर्फ बीकॉम ऑनर्स में ही होता है। अगर आप बीकॉम करेंगे तो उसमें आपको ये टॉपिक देखने को नहीं मिलेगा, डिफॉल्ट रिस्क एंड क्रेडिट रेटिंग का। बीकॉम ऑनर्स पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्रेडिट रेटिंग वाला। तो गाइस, ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में, इससे एक बॉन्ड वैल्यूएशन का एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम यूनिट थ्री की तरफ। यूनिट थ्री में आ जाते हैं अप्रोचेस टू इक्विटी एनालिसिस। इक्विटी एनालिसिस के यहाँ पर अप्रोच दिए हुए हैं, कई कई मेथड दिए हुए हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड इसके बाद हम बात करें तो EMHB, इसको बोला जाता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। ये अलग अलग एनालिसिस हैं कि किस तरीके से हम इक्विटी का एनालिसिस करेंगे। देन जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था या लास्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि वहां पर आपको बॉन्ड का वैल्यूएशन करना होगा, तो इस यूनिट में आपको वेरियस मॉडल से वैल्यूएशन करना होगा इक्विटी शेयर्स का। तो यहां से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा ही बनेगा, एक न्यूमेरिकल का भी बन सकता है और एक थ्योरी का। थ्योरी का यहाँ पे एनालिसिस से पूछ लिया जाता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है या फंडामेंटल एनालिसिस इक्विटी एनालिसिस का क्या होता है। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं यूनिट फोर की तरफ। यूनिट फोर में जो हमारे टॉपिक्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। हमारे हेडिंग का नाम इसमें यूनिट फोर का हो जाता है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव। ये भी काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है। इसमें देख सकते हैं आप पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये आपका इसमें पहला जो भी हमारा टॉपिक है वो रहेगा। देन पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करना, पोर्टफोलियो रिटर्न कैलकुलेट करना। देन इसमें म्यूचुअल फंड ये एक मेन इसका कंसेप्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड। देन इसके बाद है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल डेरिवेटिव, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है। दो पार्ट में डिवाइड इसको करा गया है। पहला जो पार्ट है वो है पोर्टफोलियो एनालिसिस का, कि पोर्टफोलियो एनालिसिस कैसे होगा। देन उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आएगा हमारा फाइनेंशियल डेरिवेटिव का। पोर्टफोलियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे सारे रिस्क रिटर्न जितने भी आ जाते हैं वो आपको कैलकुलेट करना होगा, म्यूचुअल फंड भी उसी में आएगा। फाइनेंशियल डेरिवेटिव के अंदर आपके फॉरवर्ड फ्यूचर्स ये सब फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, ऑप्शन है, कॉल पुट है, ये सब के सब आपके यूनिट फोर में आ जाएंगे। इसमें भी गाइज जो यूनिट फोर है बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स में बिल्कुल सेम है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस जो है इसमें नहीं रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया सिर्फ क्वेश्चंस का जो इनका डिफरेंस है वो ज़्यादातर रहने वाला है। एंड यूनिट थ्री में भी मैंने आपको शायद नहीं बताया था तो इसका भी बिल्कुल सेम ही रहने वाला है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होगा बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के परस्पेक्टिव से। चलिए तो आगे हम देखते हैं यूनिट फाइव को। यूनिट फाइव जो है थोड़ी पूरी की पूरी जो यूनिट है ये थ्योरी यूनिट है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जिसमें कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि रोल ऑफ सेबी है, सेबी और स्टॉक चेंजेस के बारे में बताया गया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की सेबी कैसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करता है, इन्वेस्टर गिवरेंस है, रीएड्रेसल सिस्टम है, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये गाइस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स दोनों के लिए। एंड जो लास्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एक्टिविज्म, ये जो है हमारा बीकॉम ऑनर्स में ही है, बीकॉम ऑनर्स में ये वाला टॉपिक आपका नहीं होगा। सो गाइज ये पूरा सिलेबस था, मैंने आपको पांचों यूनिट्स जो है वो समझा दिए कि क्या क्या उसमें टॉपिक थे। एक बार आप सभी को दोबारा से देख सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और गाइज यहाँ पर लास्ट में एक चीज़ और बताई गई है, गाइज ये पूरा जो हमारा पेपर है वो ज़्यादातर हमारा इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोचेस होंगे एंड आपको इसमें प्रैक्टिकल असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स भी मिला करेंगे। तो उसके लिए बताया गया है स्प्रेडशीट इज रिकमेंडेड सॉफ्टवेयर फॉर बेसिक कैलकुलेशन, यानी एक्सेल का आप यूज़ करेंगे उन फाइनेंसेस के फॉर्मूले को, वो जब आपको पढ़ाया जाएगा देन वो एक्सेल पे भी पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे आपको वहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करने को भी मिलेंगे। तो गाइज ये पूरा मैंने आपको सिलेबस बताया FY का, फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का, बीकॉम एंड बीकॉम ऑनर्स के लिए दोनों का डिफरेंस भी मैंने आपको इसमें बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।